पहला डेरिवेशन था आपका यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का संबंध, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन है आपका रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का संबंध, ठीक है। क्या इस कंडीशन में क्या है, मान लो किसी पदार्थ के एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, एल है। यहाँ पर हम एक घन ली है, ठीक है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, एल। चूंकि घन है तो मतलब क्या है, प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है, तो ऊंचाई भी क्या है इसकी, एल है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है। डायग्राम में हम सिर्फ एक ही भुजा दिखा है, सभी भुजा की लंबाई एल है, प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है। उसके ताप में डेल्टी वृद्धि करने पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये देखो, डेल्टी वृद्धि करने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई एल प्लस डेल एल हो जाती है। मतलब कि चौड़ाई में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तीनों में कितनी वृद्धि होती है आपकी, एल प्लस डेल एल वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तब घन का प्रारंभिक आयतन, ठीक है, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पहले से याद करो, आयतन इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये होता है, ठीक है। लंबाई को भी एल से दर्शाते हो, चौड़ाई को भी एल से, ऊंचाई को भी एल से, जहां पर बोला गया है ना सभी के सभी बराबर है, लंबाई को उतना, चौड़ाई को उतना, ऊंचाई को उतना। एक घन में बेटा किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक समान है। घन देखे हो, क्यूब देखे हो, छोटा सा क्यूब वाला मार्केट में वापस आता है ऐसे क्यूब खेलने का, उसकी लंबाई में चौड़ाई ऊंचाई सब एक समान होती है। तो घन में चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन में सभी चीजें एक समान होती है, लंबाई वो जो मोटी ये किसने समझ जाएगा, देख ये क्या है, ये चौड़ाई है, ये वाले लंबाई है और ये ऊंचाई है, लेकिन ये घन नहीं है, ये क्या है, धनाभ है, घन नहीं है, ठीक है, धनाभ बोलते हैं घन। देख ये वाली क्या है, चौड़ाई, ठीक है, ये क्या है, लंबाई है और ये ऊंचाई, ठीक है, हाँ ये ऊंचाई, ठीक है, तो होता है, लेकिन ये धनाभ है, ठीक है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है, ठीक है। तो वही है, ये क्या हो गया, एल 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 लिखे, आयतन को किस तरह से आ गया आप लोग, वी से, तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया, एल इंटू एल इंटू एल एल क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बेटा, देखो ना, पदार्थ के एक घन की प्रत्येक भुजा, क्या बोला गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, एल है। यहां पर इसकी भी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई एल है, ठीक है, हाँ समझी ना, हाँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये भी लंबाई वाला एल है, सब के सब, सब के सब क्या है, एल है, इस वजह से इसको एल 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 भी है। असल में किसी को यहां डाउट नहीं है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक समान है, ठीक है, ये हो गया। तब लिखे हैं धन का प्रारंभिक आयतन कितना होता है, बीस कितने लिए, एल क्यूब, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तब देखो, तब घन का अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, चूंकि ताप देने से लंबाई में वृद्धि हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, मतलब सभी तरह से लंबाई में वृद्धि हो रही है, मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में भी ऊंचाई में भी तीनों वृद्धि हो रहा है, तीनों को किसी दशा रहा हो एल से, तो कितनी वृद्धि होगी सभी तरफ की लंबाई में, एल प्लस डेल है, हुआ कि नहीं हुआ, इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है, सब तरफ हुआ है, ठीक है। तो वही हुआ, एल प्लस डेल की वृद्धि हो जाती है। तब घन का प्रारंभिक, तब घन का अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रारंभिक आयतन भी था, अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, वी प्लस डेल वी, जैसा पहले किए थे वही है। तब यहाँ पर देखो ये एल क्यूब था, ठीक है, लंबाई में वृद्धि हुई, एल प्लस डेल है, तो एल प्लस डेल का क्यूब, ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, पहले वाले में स्क्वायर था दोनों, था कि नहीं था, वहां पर क्या था, वो क्षेत्रफल था, ये क्या है, आयतन, इस वजह से। तब आयतन में वृद्धि कितना हो जाएगा, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला होता है, यहां पर देखना एक फार्मूला होता है बेटा मैथमेटिक्स में, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, कितना होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए प्लस बी का होल क्यूब, लिखा है, देखो लिखा है ना, सेम फार्मूला यहाँ पर लगाया बेटा, ठीक है, यहाँ पर देखो उससे मेल कर दिया, ठीक है, ए क्यूब हुआ प्लस क्या लिखा है, थ्री ए स्क्वायर बी,
स्क्वायर लिखा है, 3ab स्क्वायर प्लस क्या था बी का क्यूब, ए बी है बी का क्यूब, टेलर का क्यूब लिखा ना, समझ में आया कैसे आया, ठीक है। माइनस एल क्यूब पहले से था तो माइनस एल क्यूब लिख दिए, माइनस एल क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है प्लस एल क्यूब है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो, ठीक है। बस जो बचा उसको लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, चूंकि डेल एल बहुत छोटी राशि है अतः डेल एल स्क्वायर और डेल एल क्यूब की उपेक्षा करने पर, यहाँ पर दो स्क्रिप्ट की उपेक्षा करें, उसमें क्या किए थे सिर्फ डेल एल स्क्वायर की उपेक्षा किए थे, ये जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल एल स्क्वायर और डेल एल क्यूब, ठीक है, इन दोनों स्टेप की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये दोनों स्टेप क्या हो जाएंगे यहाँ से गायब हो जाएंगे। उपेक्षा मतलब उपेक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि राशि क्या होती है नगण्य होती है, नहीं के बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटे, ये वाले स्टेप और इस वाले स्टेप की क्या कर दिए उपेक्षा कर दिए, तो बचा कितना, कितना कितना बचा, नहीं बचा, बचा ना, तो यहाँ पर मैं डेल बी इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, 3 l² डेल, सर उसी की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं इसका, चूंकि नगण्य राशि है लिखा है ना, देखो चूंकि डेल एल बहुत छोटी राशि है तब डेल एल स्क्वायर और डेल एल क्यूब की उपेक्षा करनी, ठीक है। ज्यादा छोटी राशि होती है ना जिसका मान क्या होता है बहुत ज्यादा, मतलब जिसके मान से इसके डेरिवेशन जो एनालिटिकल डाटा से फर्क ना पड़े, ठीक है, तो ऐसे मान के हम लोग क्या कर देते हैं उपेक्षा कर देते हैं नगण्य मान, ठीक है। यहाँ पर डेल क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 3l स्क्वायर और डेल, ठीक है। किंतु आयतन प्रसार हुआ, अब देखो अब यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक क्या नहीं है क्योंकि रिलेशन उसी का रखा है, क्षेत्रीय प्रसार रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक, पहले वाले में क्या था रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक था, तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक फॉर्मूला लिए थे, ये क्या है रेखीय और आयतन क्या है, ठीक है। तो रेखीय का बनाया तो यहाँ पर कितना लेंगे आयतन का, आयतन प्रसार गुणांक गामा इज़ इक्वल टू कितना जानते हो आप लोग, डेल वी अपॉन वी डॉट डेल टी, ठीक है। डेल वी का मान आपको यहाँ से मिल चुका है, कहाँ से, यहाँ से डेल वी का मान यहाँ पे पुट करो बेटा, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 3 l² डॉट डेल एल अपॉन l³ डॉट डेल टी, ठीक है। वी का मान आपको l³ कहाँ से पता है, यहाँ से पता है कि नहीं, तो वी की जगह यहाँ पे क्या रखें।